हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एसपी को हटाने की मांग को लेकर चाणर समाज ने सौंपा ज्ञापन। बाड़मेर पेपर लीक मामले में बाड़मेर जिला प्रशासन और पुलिस की नाकामी की खबर चलाने वाले बाड़मेर के वरिष्ठ पत्रकार प्रेमदाम देथा को बाड़मेर पुलिस द्वारा धक्का मुक्की कर हिरासत में लेने के मामले में चाणर समाज ने बाड़मेर एडीएम राकेश कुमार को निर्वाचन आयोग के नाम ज्ञापन सौंप कर एसपी मनीष अग्रवाल को हटाने की मांग की है। चारण समाज ने एडीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया कि मौजूदा बाड़मेर एसपी पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक और दमनकारी नीति अपना रहे हैं, जिसका समस्त चारण समाज घोर निंदा करता है। समाज के मौजूद लोगों ने बताया कि पुलिस कप्तान द्वेष भावना से पुलिस कर्मियों को आदेशित कर पत्रकार प्रेमदान और गांव में रह रहे उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि प्रेमदाम चारण बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पत्रकारिता करते हैं। ज्ञापन में चारण समाज के लोगों ने बाड़मेर एसपी मनीष अग्रवाल को हटाने की मांग की है। वहीं विधानसभा चुनाव से पूर्व एसपी को ना हटाने पर संपूर्ण राजस्थान में चारण समाज द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने के साथ आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। हमने प्रेमदान पत्रकार जिसको अरेस्ट करके यहां से पुलिस ले गई, फिर उसको वहां थाने में ले जाके इसके मोबाइल वोबाइल सारे ले लिए और बाद में 2-3 घंटा थाने में बिठा कर छोड़ा। अब भी उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन इनके गांव जाती है, दबिश देती है, जबकि प्रेमदान का निवास यहाँ पर है। इनकी मदर है, 95 साल की एज है, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। अगर कोई कार्रवाई हुई या उनकी तबीयत में कोई बिगाड़ हुआ तो ये सब प्रशासन की जिम्मेवारी होगी और पुलिस की जिम्मेवारी होगी। हमारी मांग ये है कि प्रेमदान को गलत तरीके से जो फंसा रहे हैं, ये एसपी साहब के इशारे पर सारा काम हो रहा है और एसपी बाड़मेर अग्रवाल साहब को यहाँ से हटाया जाए। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।